पहचान नहीं पा रहे भगवान शिव के शिवलिंग को। क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर का सिर कहां है, मैं शिवलिंग में भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए जाऊंगा। चले जाओ। और भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए चले और ब्रह्मदेव सिर देखने के लिए चले। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और भगवान विष्णु नीचे जाते गए। अताल तलातल रसातल में जब भगवान विष्णु पहुंचे भगवान के चरण नहीं मिले तो भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान के चरण ढूंढना कठिन है, पिता को जानना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, आगे जाते जाते उनको एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी के फूल को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कितना सुंदर फूल है, एक केतकी के पुष्प, तो मेरे साथ नीचे चल और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या फायदा है? केतकी के फूल ने कहा अगर आप चलकर बोलोगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं केतकी के पुष्प तू चलकर अगर नीचे बोल देगा एक बार कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो मैं सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। भगवान केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है चलो बोल देता हूं, पर मेरी बात अगर ब्रह्मदेव भगवान शंकर ने भगवान विष्णु ने नहीं मानी तो? इतने में भगवान ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, सामने से गौ माता आ रही थी उसको रोक लिया। हे गौ माता इधर आओ जरा। गौ माता बोली हाँ प्रभु बोलिए क्या बात है। ब्रह्मा जी ने पूछा गौ माता कहाँ जा रही है? बस थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रही है। आप हमारे साथ नीचे चलोगी क्या? क्यों? चलकर एक बार भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। देखो व्यक्ति स्वयं की अभिमत्ता स्थापित करने के लिए, स्वयं का तत्व स्थापित करने के लिए एक असत्य की सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है। रामकथा में एक बात आती है, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी ये रावण तुम्हारा चेला है, तुम्हारी सेवा करता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तुम्हारी आराधना करता है। 33 कोटि देवताओं ने जाकर, सारे देवी देवताओं ने जाकर रावण को समझाया, तुम क्यों नहीं समझाते? शंकर भगवान बोले जो नहीं समझते वही समझाते। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये देवता जितने भी गए रावण को समझाने वो समझते नहीं थे? बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते होते तो समझाने काहे को जाते? हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये किसी से नहीं समझेगा तो फिर समझाने की जरूरत क्या? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पर दुनिया के लोगों की आदत रहती है खूब समझाने का प्रयास करेंगे, जब मालूम है समझेगा ही नहीं तो क्या समझाना? उसका अभिमान कितना था लंकाधिपति रावण का, जब जब शंकर जी के सामने जाता था खूब हंसता था, जोरदार तरीके से खूब ठाका लगा लगा के हंसता था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि तुम्हारे सामने खड़े होकर इतना हंसता क्यों? और तुम्हें देख देख कर कहता है भोलेनाथ देखो मुझको, शंकर जी देखो मुझको। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मदेव ने पूछा ये बार बार ऐसा क्यों कहता है कि देखो मुझको? भगवान शंकर बोले हमारा चेला है। तो चेला है तो हंसता क्यों है? क्या हंसता इसलिए है कि शंकर भगवान तुम्हारे तो 5 मुख हमारे तो 10 मुख, मतलब गुरु तुम तो छोटे रह गए चेला अब्बल निकल गया इसलिए हंसता है। शंकर भगवान से पूछा कि ये बताओ कि ये रावण में अक्ल मक्कल नहीं है क्या? क्यों हुआ क्या? दुनिया के लोग प्रणाम करते हैं तो झुककर प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम करने के लिए आपका पर्वत उठा लेता है।
और सिर पे रख लेता है। रावण से पूछा गया कि तूने पर्वत क्यों उठाया कैलाश पर्वत को, तो के प्रणाम करने के लिए, तो के तू उल्टा है कि पर्वत उठाएगा सिर पे रखेगा फिर प्रणाम करेगा। रावण कहता है मैं किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं झुक के प्रणाम नहीं करता, मैं तो उठा के सिर पे धर लेता हूं। भगवान शंकर ने कहा ऐसा चेला पाया है तो गुरु की दशा तो तुम जानते ही हो गए कि गुरु कैसा है। मुझे भगवान के चरण नहीं मिले, जैसे ही कहा चरण नहीं मिले तो शिवलिंग में से आवाज आ गई, शंकर के शिवलिंग में से आवाज आई, हे नारायण आपने इस शिवलिंग की साक्षी में सत्य कहा, शिवलिंग की साक्षी में आप सत्य बोले हो, इसलिए आज से आपका नाम सत्य नारायण होगा। आज से आपका नाम, स्कंद पुराण कहती है भगवान शिव का नाम, भगवान शंकर भगवान विष्णु का नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि तुम सत्यनारायण कहलाओ। सत्यम शिवम सुंदरम, यदि जीवन में सत्य है तो शिव जरूर मिलेगा, और शिव अगर मिल गया तो जीवन सुंदर अपने आप हो जाएगा, अपने आप सुंदर हो जाएगा। अगर जीवन में सत्य है तो शिव मिलेगा, और शिव मिला तो जीवन सुंदर में अपने आप हो गया। सत्यम शिवम सुंदर, भगवान विष्णु ने पूछा अब आप बताओ क्या आपको भगवान का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, मैं तो थोड़ी दूर पर गया था और ब्रह्मा जी का सिर मिल गया मेरे को, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का सिर मिल गया, मस्तक मिल गया। ओहो, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, और आकाशवाणी होकर कहा ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा झूठ बोल रहा है या आकाशवाणी हो, ब्रह्मा जी कर रहे हैं या आकाशवाणी झूठी है। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी ने निकाला उठाकर दिया, ले भगवान विष्णु के सामने, बोल केतकी के फूल भगवान ब्रह्मदेव को सिर मिला कि नहीं मिला भगवान शंकर का। केतकी के पुष्प ने कहा भगवान ब्रह्मा को तो सिर मिल गया, आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये केतकी का फूल झूठ बोलता है, हे ब्रह्मदेव तुम भी झूठ बोल रहे हो और केतकी का फूल भी झूठ बोलता है। एक केतकी के पुष्प तू शंकर के शिवलिंग की साक्षी में तूने झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर को समर्पित कर देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा, इसलिए सारे फूल पत्ती कांटे जो मर्जी पड़े शंकर को चढ़ाओ पर केतकी का पुष्प शंकर को कभी मत चढ़ाओ, जीवन में कभी नहीं चढ़ना चाहिए, सारे पुष्प चढ़ाओगे चल जाएगा, पत्तियां चढ़ाओगे तोड़कर चल जाएगा, सब कुछ भगवान को समर्पित करोगे चल जाएगा, पर केतकी के पुष्प भगवान शिव को नहीं चाहिए, क्योंकि 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है, मात्र एक केतकी का पुष्प शिव को चढ़ गया भगवान शिव। इतने में ब्रह्मदेव बोले ये आकाशवाणी झूठी हो रही है, ना मानो तो पूछ लो, तो भगवान कह रहे हैं कि गौ माता से पूछ लो, ये गौ माता बैठी सामने गाय खड़ी थी, भगवान विष्णु ने पूछ लिया क्यों गौ माता आप बताओ क्या ब्रह्मदेव को भगवान शंकर का सिर मिला, तो गाय ने उसी समय पर कह दिया हाँ ब्रह्मा जी को सिर मिला, गाय झूठ बोल दी, आकाशवाणी शिवलिंग में से फिर हो गई, ये गौ माता जगत की माँ होकर, जगत धात्री होकर, जगत की अंबिका होकर, ये जगत की माँ गौ माता होकर ये झूठ बोलती है, हे गौ माता तूने शिवलिंग की साक्षी में झूठ बोला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा पूरा शरीर पूज्य होगा पर जिस मुख से तू झूठ बोली है वो मुख तेरा अशुद्ध माना जाए, तूने झूठ कहा है। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, केवल एक हिंदू धर्म में गौदान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है, गाय की पूंछ पकड़ कर किया जाता है,
क्यों? क्योंकि इसने झूठ बोला था। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान, वस्त्र दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर गौ दान गाय की पूंछ पकड़कर पीछे से किया गया, क्योंकि यह झूठ बोल। केवल एक झूठ बोलने वाली गाय का दान आज भी पीछे से होता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पर हिंदू धर्म में गौ माता की परिक्रमा पीछे से चालू होकर पीछे समापन होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर समापन होगी। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समापन नहीं होगी, क्योंकि ये झूठ बोला। अब विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो उसका दान पीछे से हुआ, गाय ने एक बार झूठ बोला तो उसकी परिक्रमा पीछे से हुई, और तुम तो दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलो, बेटी कथा में के मैं तो बाजार में तो के दुकान पे तो के मैं वहां पर, दिन भर 15 मिनट में 10 मिनट में इतना झूठ कि भगवान भी चक्कर में पड़ गया, इका कई होगा रे कालिया, भगवान भी सोच में पड़ गया कि इतना झूठ बोले इसका होगा क्या।